हेलो दोस्तों, वेलकम टू एंडेवर इमिग्रेशन यूट्यूब चैनल। दिस इज गौरव। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट यूनिवर्सिटी ऑफ रजाइना इन सस्केचवन। हम बात करेंगे कि यूनिवर्सिटी ऑफ रजाइना के एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, इसके अलावा इसकी आईएलटीएस की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, और हम बात करेंगे कि आपको यूनिवर्सिटी ऑफ रजाइना को क्यों चूज़ करना चाहिए। सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो यूनिवर्सिटी ऑफ रजाइना है, ये 1911 में एक छोटे से स्कूल से शुरू हुई थी। इसके साथ इसका जो टाई अप है यूनिवर्सिटी ऑफ सस्केचवन के साथ हो गया था, और यूनिवर्सिटी ऑफ सस्केचवन ने ही इसको जो है स्टेटस दिया था यूनिवर्सिटी ऑफ रजाइना कैंपस का। सो जो ये इनको स्टेटस मिला था वो 1961 में मिला था। इसका जो मेन कैंपस है वो एक ही कैंपस है यूनिवर्सिटी ऑफ रजाइना, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ सस्केचवन का ही रजाइना कैंपस माना जाता है। इसमें अगर हम स्टूडेंट स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो टोटल 90 डिफरेंट कंट्रीज से यहाँ पे जो है बच्चे अपनी इंटरनेशनल स्टडीज़ करने के लिए आते हैं। तो आइए बात करते हैं इसकी एडमिशन रिक्वायरमेंट्स की। सो फॉर एडमिशन रिक्वायरमेंट, अगर आप यहाँ पे बैचलर डिग्री प्रोग्राम्स के लिए जाना चाहते हैं, यानी कि यूजी प्रोग्राम्स के लिए जाना चाहते हैं, तो इंडियन एप्लीकेंट्स के लिए जो एडमिशन रिक्वायरमेंट है आपके 50% होने चाहिए इन योर 12th ग्रेड। सो इसके अलावा जो बेस्ट थिंग है वो ये है कि यहाँ पे आपको मैथ की ज़रूरत नहीं पड़ती टू गेट एडमिशन यूजी प्रोग्राम्स। अगर आप कंप्यूटर साइंस की डिग्री लेना चाहते हैं तो उसमें आपको मैथ की ज़रूरत पड़ेगी, बाकी किसी भी डिग्री में आपको जो है मैथ की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आप पीजी प्रोग्राम यानी कि मास्टर डिग्री में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके 55% जो है मार्क्स होने चाहिए इन योर प्रीवियस बैचलर डिग्री। नाउ वी विल टॉक अबाउट इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स। अगर आप जो है अपना ऑफर लेटर अप्लाई करना चाहते हैं इन यूनिवर्सिटी ऑफ रजाइना, तो अगर आप आइल्स के साथ अपना ऑफर लेटर अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको 6.5 ओवरऑल की रिक्वायरमेंट रहती है। इसके साथ ही अगर आप पीटी के साथ अपना जो है ऑफर लेटर लेना चाहते हैं, आपको 59 ओवरऑल स्कोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। इसमें कुछ भी मिनिमम की रिक्वायरमेंट नहीं है, मिनिमम आपके कितने भी हो सकते हैं। अगर आप टोफल के साथ अपना ऑफर लेटर अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो 83 है, नॉट लेस देन 20 इन एनी मॉड्यूल। एंड अगर आप डोलिंगो के साथ अपना ऑफर लेटर अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको 120 स्कोर्स चाहिए होते हैं, और मिनिमम आपके 105 होने चाहिए इन ईच मॉड्यूल। जो इसकी पीजी स्टूडेंट्स के लिए रिक्वायरमेंट है आईएलटीएस की, वो सेम है एज यूजी स्टूडेंट्स की। आपको आईएलटीएस में 6.5 ओवरऑल, नॉट लेस देन 6, डोलिंगो में 120, टोफल में 83 एंड पीटी में जो है 59 स्कोर चाहिए। नाउ विल टॉक अबाउट गैप एक्सेप्टेड। सो यहाँ पे जो है बैचलर डिग्री के लिए 3 से 4 साल का जो है गैप एक्सेप्टेड है। अगर आप पीजी प्रोग्राम यानी कि मास्टर डिग्री में जाना चाहते हैं तो अगर आपका 10 से 15 साल का भी गैप है तो वो एक्सेप्टेड है विद वर्क एक्सपीरियंस। बैकलॉग्स वाले बच्चे भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे मल्टीपल बैकलॉग्स जो है एक्सेप्टेड है। कंडीशनल ऑफर लेटर भी यहाँ पे ईजिली मिल जाता है अगर आपके पास आईएलटीएस कोर्स नहीं है, जहाँ आपके अभी एकेडमिक स्पेंडिंग है, तो आप जो है अपनी ऑफर लेटर अप्लाई कर सकते हैं कंडीशनल बेसिस। इसके बाद जब आप अपने वो स्कोर्स प्रोवाइड कर देते हैं तो जो आपकी ऑफर लेटर है वो अनकंडीशनल हो जाएगी। सो द बेस्ट थिंग इज़ कि यहाँ पे जो है ओपन बोर्ड वाले बच्चे भी एक्सेप्टेड हैं, जिन्होंने अपनी जो है 12th ओपन स्कूलिंग से की, या जैसे कि न्योस बोर्ड हो गया या नोवैक बोर्ड हो गया, सो जिसको NWAC बोर्ड बोला जाता है, तो वो बच्चे भी जो है यहाँ पे एक्सेप्टेड है, और न्योस वाले भी एक्सेप्टेड है। अब अगर अवेलेबल इंटेक्स की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको टोटल 3 इंटेक्स मिल जाते हैं, जैसे कि अदर कॉलेजेस में मिलते हैं, जिसमें आपको जैन, मई एंड सितंबर इनटेक मिलता है। इसकी जो बेस्ट थिंग ये है कि अगर आप जैन इनटेक के लिए ऑफ़र लेटर अप्लाई करते हैं या मई इनटेक के लिए ऑफ़र लेटर अप्लाई करते हैं तो आपकी जो सेम ऑफ़र लेटर है वो नेक्स्ट 3 इनटेक्स के लिए वैलिड होती है। सो आप किसी भी इनटेक के लिए जो है अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, आपको उसको डेफर करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप नेक्स्ट जो 3 इनटेक होते हैं किसी भी इनटेक के लिए अपना जो है वीज़ा डाल सकते हैं। इसकी जो ऑफ़र लेटर की फ़ीस है वो $100 है, और जो ऑफ़र लेटर की टाइमलाइन है वो 20 डेज है। 20 डेज के अंदर अंदर जो है आपको अपना ऑफ़र लेटर मिल जाता है। नाउ विल टॉक अबाउट ट्यूशन फ़ीस। ट्यूशन फ़ीस यहाँ की जो है वो 20,500 से शुरू हो जाती है और 25,000 तक जाती है फॉर बैचलर प्रोग्राम्स जो यूजी वाले बच्चे हैं। और अगर आप पीजी प्रोग्राम्स के लिए यानी मास्टर डिग्री के लिए जाना चाहते हैं तो इसमें ट्यूशन फ़ीस काफ़ी अफोर्डेबल है। जो ट्यूशन फ़ीस है $9,600 पर ईयर से शुरू हो जाती है, जो कि 20,000 तक जाती है डिपेंडिंग ऑन प्रोग्राम। लिविंग एक्सपेंसेस काफ़ी कम है सस्केचवन के, जो कि 7 से 8 हज़ार ही हैं एज़ कम्पेयर टू बिग मेट्रो सिटीज़। सो अब बात करते हैं यहाँ पे टोटल प्रोग्राम्स की। यूनिवर्सिटी ऑफ रजाइना में आपको टोटल 120 यूजी प्रोग्राम्स मिल जाते हैं, और इसके अलावा आपको 80 पीजी प्रोग्राम्स मिल जाते हैं, और आपको 15 डिफरेंट
ऑक्यूपेशन यानी कि डिसिप्लिन्स में ये प्रोग्राम्स मिल जाएंगे, जैसे कि बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, सोशल वर्क हो गया, हेल्थ हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, मीडिया, नर्सिंग एंड मैनी मोर। अगर कुछ पॉपुलर प्रोग्राम्स की बात करते हैं तो यूजी में आपको बीएड बैचलर ऑफ एजुकेशन की डिग्री मिल जाएगी, बीए इकोनॉमिक्स मिल जाएगी, बीए हिस्ट्री मिल जाएगी, इसके अलावा बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस की डिग्री मिल जाएगी, बीएससी कंप्यूटर साइंस मिल जाएगी, बीएससी केमिस्ट्री मिल जाएगी, बीएससी साइकोलॉजी की डिग्री मिल जाएगी। अगर हम मास्टर डिग्री के लिए बात करते हैं तो मास्टर ऑफ एजुकेशन इन टीचिंग लर्निंग एंड लीडरशिप की डिग्री मिल जाएगी। ये उन बच्चों के लिए काफ़ी सूटेबल है जिन्होंने इंडिया से ऑलरेडी अपनी जो है बैचलर ऑफ एजुकेशन की हुई है। इसके अलावा आपको मास्टर ऑफ साइंस इन कंप्यूटर साइंस प्रोजेक्ट ऑप्शन में मिल जाएगी, और इसके अलावा आपको मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग की डिग्री इसमें मिल जाती है इन डिफरेंट स्ट्रीम्स। सो अब हम बात करेंगे कि आपको यूनिवर्सिटी ऑफ रिजाइना को क्यों चूज़ करना चाहिए। तो यूनिवर्सिटी ऑफ रिजाइना एक टोटल पब्लिक यूनिवर्सिटी है जहाँ पर आपको 2 साल के बाद 3 साल का जो है पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिलता है। ये जो है कैपिटल सिटी है, जो सस्केचवन की कैपिटल है रजाइना, उसमें सिचुएटेड है, और ये 16 लार्जेस्ट सिटी है ऑफ कनाडा। सो अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ रजाइना से अपनी जो है स्टडी कंप्लीट करते हो तो आप SINP प्रोग्राम जो होता है उनका नॉमिनेशन प्रोग्राम है स्पेशली फॉर सस्केचवन वाले बच्चों का, उसके लिए एलिजिबल हो जाते हो। और जो सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि यहाँ पे मोस्टली जो प्रोग्राम्स हैं, चाहे वो बैचलर डिग्री है चाहे वो मास्टर डिग्री है, वो कोऑप प्रोग्राम्स हैं। यानी कि अगर आप अपनी कोई भी बैचलर या मास्टर डिग्री करते हो तो उसके साथ आपको कोऑप या इंटर्नशिप प्रोग्राम्स यूनिवर्सिटी के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं। और इस जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ऑफ़र लेटर भी आपको दोबारा अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सेम ऑफ़र लेटर जो है 3 इंटेक्स के लिए वैलिड रहती है। सो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो टुडे। अगर आप अपना जो है वीज़ा एंडेवर इमिग्रेशन के टीम से अप्लाई करना चाहते हैं तो आप हमें ऑफ़र लेटर अप्लाई करने के लिए हमें दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इन वर्किंग आवर्स। अगर आप हमें आफ्टर वर्किंग आवर्स कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। सो विल गेट बैक टू यू आफ्टर चेकिंग योर प्रोफाइल। और इसके अलावा इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।